धन्यवाद अखिलेश जी, अखिलेश जी, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी, हमारे सब सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा, भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है, राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात, नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने, ये मोहब्बत से काटा जाता है। और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, आपको मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था, भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे, राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है, गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%, 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कितने हैं? जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर
सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग है कहां? मैं बताता हूं, आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। और सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, अगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल MSP दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल MSP नहीं देंगे, लीगल MSP आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल MSP दिलवा देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। तो न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं। अब हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहां हमारी जीत होगी। जय हिंद, नमस्कार।